तो गाइज आज पापा कुछ लेके आए हैं अपनी बहू के लिए। तो चलिए दिखाते हैं कि पापा आज क्या लेके आए हैं स्पेशल। गुड मॉर्निंग, माधुरीपुरी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो सुबह हो गया और हम अपने दिनचर्या में लग गए हैं। तो मॉर्निंग वॉक से तो होके आ गए, अब हम अपने किचन में आ गए हैं। और ये लोग को भी देखिए कैसे सब ये लोग आपस में खेल रहा है। सब देखिए चारों है, नन्ना मुन्ना है, तो चारों आपस में देखिए कैसे खेल रहा है सब। सब एक दूसरे को कोई पूछ पकड़ेगा, कोई कान पकड़ेगा, कोई पकड़ के पटकेगा, यही इन लोग का खेल। आपस में चारों ही अपने में खेलते रहता है। और इधर देखिए अभिषेक का पापा देखिए अपने नाश्ता कर रहे हैं, अभी मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं और पौधे में पानी भी डाल दिए हैं और अपना फिर अब उनका अपना ब्रेकफास्ट में लग गए हैं। नहाएंगे, पूजा करेंगे और हम अपना किचन में आ गए, क्योंकि ऋचा अभी बाबू रोती है तो उस समय ऋचा अब बाबू को देख रही है, उसके देखभाल में अभी है। तो हम अपना ब्रेकफास्ट ये लोग को बनाएंगे ताकि ये लोग को देर ना हो। तो अभी हम सूजी का हलवा बना रहे हैं और इधर दूध भी गर्म कर दिए हैं और उधर दाल चढ़ा दिए हैं। तो सूजी का हलवा बनेगा और दाल बनेगा और पराठा बनेगा और भुजिया बनेगा। तो यही आज का ये लोग का ब्रेकफास्ट देंगे हम। बाबू को दूध पिलाने के लिए ना, दूध पिलाने से पहले बोतल को पानी में बढ़िया से इसको उबाल कर रहे हैं। बॉयल करने के बाद अच्छे तरह से पानी गर्म होना चाहिए, तब उसमें बोतल डाल देना चाहिए ताकि अच्छे से वो बढ़िया से साफ हो जाए। तो इसमें खौल रहा है पानी, खौलते हुए में ही डाल देना है। तो यहाँ से करता है, हाँ, तो देखिए अच्छे तरह ये खौल रहा है। बस ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट खौलेगा, उसके बाद निकाल देंगे। तो धो के अच्छे से उसमें बाबू को दूध देंगे। और बोतल मतलब स्टील का होने से ज्यादा अच्छा रहता है, प्लास्टिक का बोतल से ज्यादा अच्छा स्टील का है। स्टील का अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, स्टील का भी होना चाहिए तो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का चीज है। और दिन भर में 3 बार हम लोग बोतल को इसको पानी में खोलते पानी में डाल के धो देते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो इससे अच्छा से दूध बच्चा पी भी लेता है और उसका हेल्थ पर अच्छा हेल्थ भी रहता है। तो हम लोग सब लोग लंच कर लिए हैं और उसके बाद देखिए सब लोग हम लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो बाबू भी उधर सो गई है और इधर जो अभिषेक के पापा भी है, जो देखिए क्या लेकर के आए हैं। इसमें अनार है, अब वो भी अनार है, देखिए कितना बड़ा बड़ा है, बड़ा साइज है। हाँ, आपको हम गार्डन में अपने गार्डन में भी दिखाए थे। इसको हम लोग बिदाना भी बोलते हैं, इसलिए हमसे बिदाना निकल जाता है। तो गाइस इसको बहुत सारे लोग अनार के नाम से भी जानते हैं और बेदाना भी, हम लोग बेदाना भी बोलते हैं इसको। ये इसमें अमरूद है, तो ये अमरूद ना अभिषेक खाता है, इसको पापा लाए हैं अभिषेक के लिए। पापा को पता है कि अभिषेक अमरूद खाता है और ये लग रहा है कि लोकल अमरूद है, अच्छा है। तो अभिषेक के लिए अमरूद आया है। और क्या है भाई, इसमें क्या लाए, कितना सारा ले आया है। अच्छा, और इसमें देखिए ये फिर पपीता लाए, कितने दिन के लिए ले आए भाई। अच्छा लगता है ना पपीता, मतलब बहुत हेल्दी फ्रूट है। हाँ, मतलब बहुत अच्छा होता है पपीता। और ये तारबूज भी आया है। अरे वाह, तो अब ये सब ये स्पेशली किसके लिए आया है, ऋचा के लिए, अपनी बहू के लिए लाए हैं, क्योंकि डॉक्टर बोला है बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। तो जब ये सब अच्छी चीज खाएगा, फल और फ्रूट ये सब खाएगा, तो तभी तो माँ दूध पिलाएगी बच्चे को। तो इसीलिए लाए हैं कि डिब्बा का दूध डॉक्टर मना किया है बच्चे को पिलाने के लिए। तो इसीलिए अब अभिषेक के पापा को बोला गया तो ये पूरा ही उठा करके ले आए हैं। कहाँ से लाए पापा इतना सारा फल जो लाए हैं? सब डेली मार्केट से लाए हैं। डेली मार्केट से ना? काफी एकदम फ्रेश है ना। तो गाइज हमारे रांची सिटी में, रांची शहर में एक मार्केट है डेली मार्केट, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट है और वो हमारे घर से काफ़ी पास में भी है। तो पापा वहाँ से लाते हैं क्योंकि वहाँ पे ठीक रेट में अच्छा क्वालिटी का सामान मिल जाता है और सारी वेराइटीज़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छी अच्छी और सब्जी वगैरह सब मिल जाता है। तो पापा वहाँ से ही अक्सर लाया करते हैं। फल सब्जी जितना भी है सब थोक भाव में मिल जाता है, सब थोक भाव में मिलता है, क्योंकि इधर इधर जो बेचता है रोड पर या घर पर आता है बेचना महंगा भी रहता और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, और वहाँ सब अच्छे क्वालिटी का मिल जाता है डेली मार्केट। तो ऋचा अब तुम बताओ तुमको क्या खाना है। पहले तो तुम पपीता खाओ, पपीता तो तुम्हारे लिए बहुत फायदे का चीज है। तो जब तुम भारी उठेगा तुमसे देखो भाई।
और कमेंट में आया था कि ऋचा खाने पर ध्यान दे, बहुत दुबली है, तो खाने पर ऋचा ध्यान देती है और सब लोग घर के हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी ऋचा का हेल्थ नहीं होता। जेनेटिक है इसके घर में, ऐसा ही है जेनेटिक से लगा। हाँ, जेनेटिक है। हम इसके घर के सदस्य को दिखाएंगे आपको, सारे एकदम ऐसे पतले पतले है। लेकिन ऋचा को हम सोचते हैं कि थोड़ी हम लोग के जैसे हो जाए, मोटी थोड़ी सी तो हो जाए। चलो ऋचा सो करके ले आओ बेटा, क्या क्या लाना है इसको भी ले जाओ। अच्छा इसको तो तुम जूस निकाल लो, जूस निकाल के पिएगी, सेब ले आना, ओके है ना। और गाइस देखिए ऋचा जो फल को धो के लिए आई है और मम्मी इधर काट रही है फल को, मम्मी और ऋचा दोनों मिलके अब सारा फल को काट रही है, फिर हम लोग खाएंगे अभी। और पापा देखिए बाबू को अभी घुमा रहे हैं, बाबू रोने लगे, तो सानवी है जो रोने लगी तो पापा उसको घुमा रहे हैं अभी। देखिए सो के उठी है ना, सो के उठने पर बच्चा को भूख लग जाता है, अभी तुरंत सो के उठी तो पापा तुरंत उठ के उसको घुमाने लगे, क्योंकि मम्मी और ऋचा यहाँ पे फल काट रही है। और इधर अभिनीश भी अभी थोड़ी देर पहले खिलाया था अच्छे से, अभिनीश तो बहुत खिलाता है, उसको मस्त चले तो दिन भर खिलाए, बोले कि रात को इसी को देंगे। एक रात बच्चों को रखेगा तो समझ में आ जाएगा। गाइस देखिए अभी पपीता वगैरह सब मम्मी काट रही है काफी अच्छे से, और अभी हम लोग सबको ही मिलके खाएंगे। देखिए फल ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी को ही खाना चाहिए, एक को जरूरत होता है, फल तो सभी को चाहिए, फल सारे लोगों को खाना चाहिए, और रोज खाइए आप लोग भी, क्योंकि फल खाना काफी हेल्दी है, काफी सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं फल में, तो वो जरूरी है, सबको खाना चाहिए है ना, तो आप लोग भी खाइए रोज। लेकिन किसी को ज्यादा जरूरत पड़ता है, जैसे ऋचा को ज्यादा जरूरत पड़ता है, हम लोग को जरूरत है लेकिन कम जरूरत है, आप लोग भी बोलिएगा, पता नहीं बहू को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, सब लोग हेल्दी वेल्दी है और ये कैसी इतनी जरूरी है, क्या ऋचा बताओ तुम, खाना ना मिलता है? मिलता है खाना? हाँ। ऐसा नहीं ना खाना नहीं मिलता है, खाते हैं और मिलता भी है। अच्छा खाना घर में मम्मी देती है ना, कि भूखे रखती है तुमको मम्मी, क्यों देंगे खाना, खाना इस मम्मी को खाना ये देंगे क्या हम देंगे बताइए। तो देती है तुमको खाना रोज है? खाना हाँ, देती है? देती है रोज खाना, हमको देती है, हमको तो यही देती है खाना, वही देती है। हाँ। अच्छा पूजा करके आते हैं तुरंत प्लेट में लगा देती है ऋचा, इंतजार करती रहती है कब मम्मी आएंगी पूजा करके, ताकि उनको हम ब्रेकफास्ट दे दें। अच्छा देखिए यहाँ इतना सारा अभी कटिंग हो गया, अब तुम लोग खाओ, काट रही है तो तो गाइस अभी अब फल भी सारा कट चुका है, तो अभी हम लोग सब बैठ के खाएंगे एक साथ, क्योंकि एक साथ सब जब सबको बैठ के खाते हैं तो अच्छे से सब लोग बात करते करते खा लेते हैं, तो अच्छा भी लगता है खाने में, इसी बहाने सब एक साथ बैठ भी जाते हैं और खा भी लेते हैं बैठ के। हाँ नहीं तो अकेले बैठ के ये चीज खा नहीं सकता है ज्यादा, और नहीं तो घर पे रखा हुआ रहेगा और कोई अकेले काट के खाता नहीं है, और साथ में बैठने में क्या होता है कि सब लोग मिलके खा लेते हैं, सबको काट भी लेते हैं और सबको बैठ के एक साथ खा भी लेते हैं, नहीं तो रखा हुआ रह जाता है फल और खराब भी हो जाता है रखे रखे, कोई खाता भी नहीं है। तो गाइस फल अब कट के कट गया है, तो अभी हम लोग खा लेते हैं फल को, और फल खा के फिर सब अपने काम में लग जाएंगे है ना, और पापा को भी फिर आरती वगैरह करना होगा तो पापा भी अपने अपने काम में लग जाएंगे। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें, बाय 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 बाय।